वेलकम बैक टू माई चैनल, दिस इज जैस्मिन अगेन विद अ ब्रांड न्यू वीडियो। सो आज के वीडियो में हम कुछ एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं मेरे बालों पे, एंड मैं अपने बालों को करने वाली हूँ ब्लू कलर। मेरे बालों के साथ मैं बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करती हूँ क्योंकि मुझे हमेशा डिफरेंट डिफरेंट लुक्स में दिखना बहुत पसंद है। मुझे एक जैसे बाल रखने पसंद नहीं आते हैं। आई थिंक मैंने बहुत दिनों तक मेरे बाल सेम जोड़े थे जब मुझे बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा था, बट अभी थोड़ा बहुत बैक इन कंट्रोल है, टच वुड, बट कभी भी शुरू हो सकता है क्योंकि एक एज होने के बाद ना लड़कियों को हेयर फॉल होना बहुत कॉमन होती है चीज़। बट आपके डाइट पे अगर आप थोड़ा सा कंट्रोल रखोगे, थोड़ा से अच्छे अच्छे प्रोटीन खाओगे एंड देन बालों के लिए थोड़ा अच्छा प्रोटीन खाओगे ना, अंडा अंडा, तो फिर आई थिंक थोड़ा बहुत कंट्रोल में हो जाता है। बट आई डोंट नो किस चीज़ से रुकता है, किस चीज़ से हेयर फॉल शुरू होता है, आई हैव नो आइडिया अबाउट इट। आप चाहे कभी कभार कुछ भी अच्छा कर लो, फिर भी बालों को कुछ अच्छा नहीं होता है। कभी कभार आप ऐसे ही मतलब केयर मत करो तब आपके बाल अच्छे हो जाते हैं। सो मुझे कुछ भी पता नहीं है। सो अभी आप देख सकते हो मेरे बालों में ये हाइलाइट्स हैं, तो मैं ऊपर के बाल, सामने के बाल कुछ भी टच नहीं करने वाली हूँ। तो मैं क्या सोच रही हूँ मालूम, तो मैं आज कलर करने वाली हूँ ब्लू। तो ये जो पीछे का सेक्शन है ना, बस इतना सा मैं कलर करूंगी ताकि जब मैं मेरे बालों को ऐसे आगे, जनरली मैं ऐसे डालती हूँ ना, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत ब्लू का हिंट दिखे। ओके, तो यहाँ पे मैं इंडिया में जब थी, इंडिया से मैंने ब्लू स्ट्रीक्स का हाईलाइट लाया था, बट पैकिंग में मेरी बैग इतनी ज्यादा फुल हो चुकी थी क्योंकि मैंने क्या किया, सारे बॉक्सेस निकाल के फेंक दिए एंड कलर्स को ऐसे ही, जो जो कलर्स थे ना उसको एक एक प्लास्टिक में रख के मैं लेके आई थी। तो इसका मुझे बॉक्स नहीं है मेरे पास, बट आई थिंक मैं गूगल से वो बॉक्स को लेकर मैं यहाँ पे आई थिंक उसको टैग कर दूंगी। आप देख सकते हो कुछ ऐसा दिखता है ये बॉक्स, एंड यही है वो कलर जिससे मैंने लिया। आई थिंक 230 रुपीज का कुछ मिला था मुझे, 220 आई गेस मार्केट से लिया था। नायका पे भी मिलता है, अमेजोन पे भी मिलता है, हर जगह मिलता है, तो ये वाला यूज कर रही हूँ मैं आज। तो इसके अंदर आया है एक ब्रश एप्लीकेटर जो कि ऐसा होता है, ये जनरली मैं हाइलाइट्स लगाने के लिए यूज करती हूँ। जितने वाला पकड़ोगे ना उतने ही बालों को हाईलाइट करता है, तो ये वाला ब्रश मेरे पास बहुत है, तो ये आता है इसमें। सो इसमें आते हैं ग्लव्स प्लास्टिक के जो कि मैं बिल्कुल यूज नहीं करती हूँ, इनको मैं फेंक देती हूँ क्योंकि मुझे कोई काम के नहीं है, ना हाथ पे टिकते हैं ना कुछ होता है। ये मैं तब यूज करती हूँ कभी कभार जब मैं बाथरूम्स वगैरह क्लीन कर रही होती ना, तब पहन लेती हूँ क्योंकि तभी ये मतलब उसकी इसी के लायक लगते हैं मुझे। एंड इसमें आता है ये कंडीशनर, शाइन ऑन कंडीशनर वॉलनट एंड आर्गन ऑयल के साथ, तो दो सैशे आते हैं इसमें जो कि काफी होते हैं, अच्छे खासे लंबे बालों के लिए काफी होता है। क्योंकि कंडीशनर आप हमेशा याद रखना, आपको रूट्स पे नहीं लगाना होता है, सिर्फ रूट्स को छोड़ के आपके आधे बालों पे लगाना होता है कंडीशनर। एंड इसमें आता है ये डेवलपर जो कि क्रीम डेवलपर है, पहले बॉटल आया करती थी, अब सैशे आने लगा है। ये पाउडर, ब्लॉन्डर पाउडर, तो ये पाउडर फॉर्म में आता है कलर क्रीम जो कि सिंगल पाउच है कितना सा। आई थिंक ये सिर्फ थोड़े से सेक्शन करने के लिए काफी रहेगा ये बालों के, बट पूरे बाल अगर आप करना चाहते हो तो ये कलर काफी नहीं रहेगा क्योंकि ये क्वांटिटी बहुत कम है इसकी, बहुत मतलब बहुत ज्यादा कम क्वांटिटी, 20 ग्राम्स का ये बहुत ही कम होता है। जनरली हमें जो गार्नियर वर्नियर हेयर कलर मिलता है वो बहुत ज्यादा होता है, तो आप उस हिसाब से इसको मत खरीदना, बस ये हाइलाइट्स करने के लिए उस हिसाब से खरीदना। तो अभी फटाफट से मैं दूसरे ग्लव्स लेके आती हूँ एंड हम कलर करना शुरू करते हैं। मेरे बाल का आज एक्चुअली हेयर वॉश का दिन है, बहुत गंदे हो रखे हैं बाल, तो मैंने सोचा कि गंदे में और गंदे हो जाए तो ही ठीक है, मैं स्पेशली इसके लिए एक और दिन बाल नहीं धोना चाहती हूँ। एंड वैसे भी सिंगापुर में न्यू ईयर के टाइम से ही बारिश हो रही है, तो ठंडा है काफी मौसम, तो मैं नहीं चाहती कि सर्दी वर्दी पकड़ ले मुझे, फिर बोलेंगे ओमिक्रॉन है। तो इसीलिए फटाफट से मैं ग्लव्स लाती हूँ एंड वैसलीन लाती हूँ ताकि मेरे स्किन पे कहीं भी ना लगे कलर। एंड ये टी शर्ट चलता है, मैं गंदी भी कर दूँ तो चलेगा, सो इसलिए यही पहन के रखूंगी। ओके, सो आई विल गेट बैक टू यू इन अ मिनट। सो मैं ये वाले सर्जिकल ग्लव्स यूज करती हूँ, मतलब एकदम हाथ के फील देते हैं, ऐसा नहीं लगता है कि आपने कुछ इसमें सिर्फ ओके हाँ मैंने सोचा चार ही है बस। ओके, तो एक हाथ में हो गए हैं एंड अभी दूसरे हाथ में भी पहन रखते हैं, आ चुके हैं। एंड अभी मैं सबसे पहले वैसलीन, आप कोई भी हेयर कलर लगा रहे हो ना, चाहे वो माथे पे हो या साइड लॉक्स पे हो या आपके नेक पे हो, हमेशा आप वैसलीन यूज़ करना। तो वैसलीन यूज़ करने से बड़ा इजी हो जाता है कि आपका हेयर कलर लगेगा नहीं, मतलब टिकेगा नहीं वहाँ पे, वो निकल जाता है, अगर कलर लगा भी है ना तो वो चला जाएगा। सो आई थिंक मैं फर्स्ट वॉश जब मैं ब्लॉन्डर लगा लूंगी ना, तो तब आई थिंक मैं मेरे बाल नहीं धोने वाली हूँ,
मैं सिर्फ सिंक में ही धो दूंगी क्योंकि एक और कलर ब्लू लगाना होता है एंड मैं दो बार नहाना नहीं चाहती हूँ। ऑलरेडी मैं सुबह नहा चुकी हूँ बट इस कलर लगाने का मेरा प्लान आइडिया अभी बना तो इसीलिए। तो पूरा देखिए पूरे नेक पे एंड यहाँ गर्दन पे मैंने पूरा लगा लिया है। तो मैं अभी यहाँ पे यही ब्रश यूज करके ना एक यहाँ पे अंदाजे पे यहाँ पे एक लाइन बना के इन बालों को सेपरेट कर लेती हूँ। मैं हमेशा मेरे हेयर कलर घर पे ही करती हूँ तो इसीलिए आई एम क्वाइट यूज टू इट। तो आई थिंक आपको होपफुली दिखे पीछे, ये देखिए एग्जैक्ट आई थिंक एग्जैक्ट लाइन बनी है। तो इतना बना के इस इन बालों को मैं यहाँ ऊपर बांध लेती हूँ ताकि ये बीच में ना आए एंड इनको कलर नहीं लगना है क्योंकि हमको बस वो वाले बाल कलर चाहिए। सो अब इनको कुछ ऐसे यही रखिए, इतने बालों को मैं कलर करने वाली हूँ। तो अब इनको पार्टीशन कर लेकर तो यहाँ डाल लेते हैं एंड सबसे पहले इस ब्लॉन्डर को और डेवलपर को मिक्स करते हैं। देखिए मैंने एक सिरेमिक का बाउल लिया है। हमेशा आप कोई ऐसा बोल लेना जिससे कलर हट जाए या फिर आपका कोई भी एक फालतू फेंकने वाला बोल होगा ना प्लास्टिक का वो यूज करो। मैं प्लास्टिक जनरली हेयर कलर के लिए यूज नहीं करती हूँ, मैं हमेशा सिरेमिक या फिर ग्लास का यूज करती हूँ। तो ये सबसे पहले मैं इसमें ये डेवलपर डाल रही हूँ, ये ब्लॉन्डर पाउडर है तो इसमें मैं ये डाल देती हूँ। नाक में उड़ गया यार। तो इसके इंस्ट्रक्शंस पढ़ने के लिए मेरे पास कुछ है नहीं तो मुझे इंस्ट्रक्शंस नहीं समझ आएंगे क्योंकि मैंने बॉक्स तो फेंक दिया बट मुझे कलर के बारे में काफ़ी नॉलेज है तो आई थिंक ये हो जाएगा सही से। ठीक है, आई थिंक मैं सेकेंड ईयर पीयूसी में थी जो कि 12th स्टैंडर्ड बोलते हैं तो तब से मैं अपने बालों को हेयर कलर करती आई हूँ तो मुझे इसीलिए कलर के बारे में काफ़ी नॉलेज है एंड आई कैन नेवर गो रॉन्ग विथ हेयर कलर। ये ब्रश लिया है यहाँ पे, ये पहले वाले स्ट्रीक हेयर कलर के साथ ये ब्रश मिला था तो इसी से अब मैं मिक्स कर रही हूँ इसको। ये ऐसा नहीं कि ब्लू कलर है तो इसलिए इसका रंग ब्लू आ रहा है, ऐसा नहीं है। हमेशा ब्लॉन्डर पाउडर और डेवलपर जब आप मिक्स करते हो तो यही कलर आता है। थोड़ा लाइट आ सकता है ब्लीच के जैसा है, थोड़ा डार्क आ सकता है बट आने का कलर हमेशा यही आता है इसका। एंड अमंग हेयर कलर्स स्ट्रीक्स इज वन ऑफ माई पर्सनल फेवरेट। मुझे हमेशा से स्ट्रीक्स हेयर कलर पसंद है, पता नहीं क्यों मुझे बहुत प्यार है स्ट्रीक्स कलर से। लगा लिया है अभी। मेरे बाल ऑलरेडी ब्लॉन्डेड हैं एंड ऑलरेडी ब्राउन है, लाइट ब्राउन कलर है क्योंकि मैंने हाइलाइट्स किए हुए हैं। कलर तो ठीक है फिर भी इधर उधर करके लग जाएगा बट ब्लॉन्डर बहुत कम किया है। तो इफ इन केस अगर ये कलर नहीं आता है ना तो मैं मार्केट से ब्लॉन्डर लेके आऊंगी एंड फिर ब्लू कलर को कंटिन्यू करूंगी। अगर इस इतने में मेरे बाल ये वाले ब्लॉन्ड हो जाते हैं 30 मिनट्स के बाद चेक करेंगे, अगर हो रहे हैं ब्लॉन्ड तो फिर मैं इस पर ब्लू कलर लगा लूंगी। अगर ब्लॉन्ड नहीं हो रहे मुझे दिख जाएगा ना अभी एक वॉश होने के बाद, तो अगर ब्लॉन्ड नहीं दिख रहे जितने डिजायर्ड जो मुझे डिजायर्ड कलर का ब्लॉन्ड नहीं दिख रहा है ना तो मैं ब्लू कलर को वेस्ट नहीं करूंगी। क्योंकि आप देखिए अभी थोड़ा सा कलर आ गया है बट थोड़े थोड़े बालों पे लगा नहीं है क्योंकि ब्लॉन्डर बहुत कम था जबकि मैंने बहुत कम बाल लिए हैं। बट ये चाहते हैं कि इससे भी कम बाल लूं मैं तो फिर दो पैक मंगवाने पड़ेंगे आई थिंक, बट पता नहीं, लेट्स सी। अगर ये कलर 30 मिनट्स के बाद आता है तो फिर ठीक है मैं ब्लू लगाऊंगी वरना मैं नहीं लगाऊंगी। तो देखते हैं 30 मिनट्स के बाद इसका रिजल्ट क्या होता है। थोड़ा थोड़ा ब्लॉन्ड मुझे ऑलरेडी यहाँ एजेस में दिख रहा है, देखिए ब्लॉन्ड दिख रहा है बट सिर्फ एंड्स पे होके फायदा नहीं ना। तो ये ब्लू कलर भी उन्हीं पे लगेगा जिन पे ब्लॉन्ड हो रखा है बाल, तो नॉर्मल ब्लैक कलर पे तो ब्लू कलर वर्क नहीं करेगा तो इसीलिए मैं टू माइंड्स में हूँ बट लेट्स सी, या फिर कर ही देती हूँ, देखते हैं जो होता है हो जाएगा, देखेंगे जितना कलर दिखना है उतना दिख जाएगा। सो ऐसे कुछ करते हैं। तो अभी थोड़ा बहुत और वैसलीन लगा रही हूँ मैं यहाँ पे, 30 मिनट्स के बाद आपको रिजल्ट दिखाती हूँ। ये देखिए 30 मिनट्स के बाद कुछ ऐसा दिख रहा है, आई थिंक दिस इज गुड इनफ। तो आप क्लोजअप में देखिए आ गया है कलर,
थिंक इतने पे लग जाए तो काफी है, मुझे ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है. तो आई थिंक इसको मैं अभी धो देती हूँ. ऑलमोस्ट 35 मिनट्स ही हो चुके हैं, 30 मिनट्स के ऊपर हो गए हैं. तो अभी ऐसे ही रिंस करके फिर थोड़ा ड्रायर से ड्राई करके फिर उसके बाद ये वाला कलर एंड क्रीम बोल के है ना, तो ये वाला लगाएंगे. ओके सो फटाफट से वॉश करके फिर मिलती हूँ. तो देखिए कुछ ऐसे मैंने सुखा लिए, ड्रायर से भी कुछ सूखे नहीं है क्योंकि बारिश हो रही है, फिर ठंड है तो उसकी वजह से बाल सूखे नहीं. यहाँ के थोड़े से बीच में ब्लैक बच गए हैं, बट ये वाला देखिए आप, अच्छा खासा कलर आया है. इस पे भी आ जाना चाहिए मेरे हिसाब से, जितना मुझे आइडिया लग रहा है, बट देखते हैं. एंड अभी ये रहा कलर, इसको अभी बोल में निकाल लेती हूँ. थोड़े से ठंडे ठंडे हैं बाल, पता नहीं ये काम करेगा कि नहीं. ये कुछ ऐसा है, एकदम जेट ब्लू है. मेरा सिंक पूरा वाइट है यहाँ पे, अगर ये थोड़ा सा भी एक डॉट भी लग जाए ना तो बड़ा गंदा दिखेगा. सो आई हैव टू बी रियली केयरफुल. एंड नीचे जो मैट बिछी है ना, वो तो मतलब गंदी होगी तो धो भी नहीं सकते उसको, वैसी है वो. कि वैसलीन लगाया हुआ है तो आई थिंक ये कहीं भी लगना नहीं चाहिए स्किन पे. तो अभी इसको ऐसे हाथ से जितना अच्छा एप्लीकेशन होता है ना, उतना ब्रश से नहीं होता है, तो इसलिए मैं हाथों से ही लगा रही हूँ इसको. अब मैं छोड़ती हूँ 15 to 20 to 25 मिनट्स छोड़ देती हूँ, तो फिर उसके बाद आपको नहाने के बाद मिलती हूँ. बहुत गंदा हो जाए, देखिए पूरी गर्दन पे लगाए, बट वैसलीन लगाया ना तो मुझे इतना डर नहीं है, तो चला जाएगा ये. सो या तो आज मैं दिन के टाइम दिखाना चाह रही थी आपको जो एक्चुअल कलर आया, जो मैंने कल कलर किया था. तो अभी मैं वैसे भी बाहर जा रही थी, थोड़ा बहुत मैंने ऐसे ही बालों के देखिए धोने के बाद कुछ ऐसा कलर आया है बालों का, सो विच इज़ रियली नाइस, जैसे आप देख सकते हो. मुझे थोड़ा ही चाहिए था कि ज़्यादा भी दिखे ना, प्लस एक थोड़ा सा शेड दिखे उस चीज़ का. बस मुझे ऐसा नहीं चाहिए था कि एकदम ब्लू दिखे, एंड जब भी मैं इसको हाइड करना चाहूँ तो हाइड ना कर पाऊँ. एंड इसमें देखिए आपको बस वो शेड दिखेगा. ओके एंड ये इतना लाइट शेड इसलिए आया क्योंकि मैंने हेयर का थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी लिया था, ज़्यादा मतलब ज़्यादा बाल लिए थे मैंने. एंड उसके ऊपर मेरे लिए क्या बोलते हो आप, वो जो ब्लॉन्डिंग पाउडर होता है ना, वो कम पड़ गया था. बट मैंने अच्छे से उसको पूरे बालों पे, आई मेड श्योर कि एवरी स्ट्रिंग गेट्स दैट बॉन्डिंग दैट वाज दैट ब्लॉन्डर. तो उसकी वजह से ना ऐसा आया है. अगर आप थोड़े से बाल लोगे तो आपके जो ब्लॉन्ड लगाओगे ना, तभी वो आपका ऑलमोस्ट एकदम लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, एकदम मतलब बहुत ज़्यादा वाइटिश हो जाएगा. एंड उसके बाद ये कलर बहुत डार्क आएगा, एकदम जेट ब्लू आ जाएगा, जैसे उन्होंने वो बॉक्स पे दिया है. बट क्योंकि मैंने कम ब्लॉन्डर लगाया था तो उसकी वजह से ये देखिए परफेक्ट आया. बट मुझे ये बहुत पसंद हुआ, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा भी दिख रहा है, एंड ऐसा भी नहीं कि बहुत कम दिख रहा है, एकदम जितना चाहिए ना उतना ही है. ओके मैं इनको हाइड भी कर सकती हूँ, चाहिए तो मैं इसे शो ऑफ भी कर सकती हूँ. तो मुझे बहुत पसंद आया. एक सेकंड मैं आपको क्लोजअप में दिखाती हूँ फिर से यहाँ अंदर से. ओके क्योंकि मैंने यहाँ ऊपर से लिया है ना, तो यहाँ अंदर से वो कलर बाहर तक आया है, ठीक है. एंड इस साइड भी ये देखिए, तो यहाँ अंदर से आया है एंड यहाँ तक दिख रहा है. ये बहुत पसंद आया. आई थिंक जब भी मैं अभी इंडिया जाऊंगी ना, तब मैं और ज़्यादा लाऊंगी इसके कलर्स. तो क्योंकि मुझे ब्लू पसंद है, इसमें पिंक पसंद है, एंड पर्पल भी आता है. पर्पल भी मैं ट्राई करूंगी जब भी मैं इंडिया से लेके आऊंगी नेक्स्ट. अभी तो मेरे पास है नहीं, फिलहाल तो मैं ये एक ही लाई थी, तो मेरे पास अब वो ख़त्म हो चुका है. बट ये देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है. तो आई रियली लव्ड इट पर्सनली. तो अगर आप ये कलर ऐसा ट्राई करना चाहते हो तो स्ट्रीक्स का ज़रूर मंगाइए एंड ट्राई कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा. पर्सनली ट्राइड एंड टेस्टेड है. कोई वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को बड़ा सा लाइक दीजिए, एंड उसको सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, एंड शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ. एंड अगर आपने ये कलर ट्राई किया है ना मेरा वीडियो देखने के बाद, तो ज़रूर मुझे इंस्टाग्राम पे टैग करना. मेरा इंस्टाग्राम का आईडी यहाँ पे कहीं लिंक कर दूंगी, तो आप मुझे टैग करना, तो मैं भी देख पाऊँ कि मेरा वीडियो देख के कितने लोगों ने ट्राई किया एंड कितने लोगों को पसंद आया. ऐसा नहीं है कि सिर्फ यंग गर्ल्स कर सकती हैं, ऐसा नहीं है. मिड एज हमारे मम्मियाँ भी कर सकती हैं यार, बहुत अच्छा लगेगा उनके लिए भी ऐसे हिडन कलर्स, यू नो. मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया ये. सो या सो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो. बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं इस साल. एंड हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन टू ऑल यू गाइस. सो एज आई ऑलवेज से, डू व्हाट मेक्स यू हैप्पी एंड सी यू अगेन माय नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर, बाय बाय. सो ये देखिए मैंने नेचुरल लाइटिंग बंद की है, उसके बाद भी आप कितना देख सकते हो इस कलर को. सो मैं अभी जस्ट तैयार हुई हूँ, तो कितना ज़्यादा देख रहा है. मैं मिरर में देखने की कोशिश कर रही थी तो इसलिए ये क्लिप उसके बाद डाला है मैंने.